गाइस 2023 में पोको F5 इकलौता ऐसा फोन था जो 7 Gen 2 के साथ आपको अंडर 30,000 में बढ़िया स्पेक ऑफर किया था। अभी तक 7 Gen 2 के साथ आपको फोन इंडिया मार्केट पर देखने के लिए नहीं मिला है। देखिए, इसका सक्सेसर पोको F6 ऑलरेडी लॉन्च हो गया है चाइनीज मार्केट पर, Redmi Turbo 3 ये जो नाम है इस नाम पे ही चाइनीज मार्केट पर लॉन्च किया है, और इधर इंडिया पर पोको F6 नाम पर आएगा। और इसका 100% स्पेसिफिकेशन इंडिया पर क्या होगा, प्राइस क्या होगा, सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके अंत तक देखिए, और इस टाइप का वीडियो मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू और रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देखिए, पोको F6 जो डिस्प्ले का सेक्शन आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है ना, 6.67 इंच का आपको 1.5K के साथ आपको फ्लैट एमोलेड पैनल, 120Hz का रिफ्रेश रेट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो सेंसर होता है ना, मोशन सेंसर का भी आपको इधर सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, आपको इनबॉक्सिंग टाइप का आपको पॉलीकार्बोनेट का ही बिल्ड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा, बट आपको कलर का चॉइस भी आपको भर भर के देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, बैक सेक्शन पर आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप इधर देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी बकवास जो ट्रिपल कैमरा सेटअप होता है, क्वाड कैमरा सेटअप है, वो आपको अभी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेन कैमरा है सोनी का सेंसर, और इधर आपको LYT600 जो सोनी का लेटेस्ट सेंसर है 50 मेगापिक्सल का, वो सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी देखने के लिए मिल रहा है, विथ आपको LED फ्लैश भी, रिंग टाइप का LED फ्लैश भी आपको इधर देखने के लिए मिल रहा है। फ्रंट सेक्शन पर बहुत दिनों बाद एक्चुअली देखने के लिए मिल रहा है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, एंड एक कैमरा ओमनीविजन का ही सेंसर है। एंड फ्रंट कैमरा से आप फुल HD एंड बैक कैमरा से शायद आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, क्योंकि जो प्रोसेसर है ना, बहुत पावरफुल प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 800 सीरीज का 8S Gen 3। जी हां दोस्तों, 8S Gen 3 जिसका अंततः स्कोर आपको नियर अबाउट 18 लाख देखने के लिए मिलेगा। तो आप सोच के देखिए कितना परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए एक्चुअली मिलेगा। देखिए, जो 7 Gen 2 था, 7 Gen 2 के साथ आपको 11 लाख 10 लाख के आसपास आपको अंदर स्कोर देखने के लिए मिल रहा है, और इधर आपको 18 लाख, आपको 7 लाख एफ ज्यादा स्कोर देखने के लिए मिल रहा है। बहुत पावरफुल एक्चुअली प्रोसेसर है, एंड ये प्रोसेसर 8 Gen 2 से आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा, एंड 8 Gen 3 से आपको थोड़ा कम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा। सेगमेंट में 5000mAh का स्टैंडर्ड बैटरी, 90 वॉट का चार्जर आपको इनबॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, एंड्रॉइड 14 के साथ ही आएगा, एंड 3 आपको मेजर एंड्रॉइड का अपडेट प्लस 1 ईयर आपको सिक्योरिटी पैच लेवल का भी अपडेट बराबर देखने के लिए मिलेगा। देखिए, IR ब्लस्टर एंड जो सेंसर होता है ना, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब कुछ मिलेगा, बट आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलेगा, एंड हाइपर सिम स्लॉट भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट डुअल मेमोरी कार्ड का ऑब्वियसली आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, जो वेरिएंट एक्चुअली चाइनीज मार्केट पर पोको ने लॉन्च किया है, उधर बेस वेरिएंट आपको 12GB रैम के साथ 256GB का ऑप्शन, 16GB रैम का ऑप्शन मिल रहा है, 512GB का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, एंड 1TB वेरिएंट भी है 16GB रैम के साथ, बट इंडिया पर आपको 1TB वेरिएंट देखने के लिए नहीं मिलेगा, आपको बेस वेरिएंट 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल मेमोरी देखने के लिए मिल जाएगा, एंड आपको 512GB का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है, बट आपको इधर UFS 4.0 का ही सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेटेस्ट आपको इधर स्टोरेज टाइप एंड रैम भी LPDDR5X वो भी आपको लेटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए, परफॉर्मेंस तो आपको इधर भर के देखने के लिए मिल जाएगा, एंड प्रोसेसर सेगमेंट आप छोड़ दीजिए, कैमरा का सेगमेंट पर भी आपको इधर सोनी का ही सेंसर देखने के लिए मिल रहा है। तो इंडिया पर इसका प्राइस क्या होगा, देखिए चाइनीज मार्केट पर जो प्राइस में लॉन्च है वो इंडिया पर कन्वर्ट करेंगे तो इसका प्राइस 23,000 हो जाता है, बट इंडिया पर इतना कम पर नहीं आएगा, वो आपको 130,000 तक ही देना पड़ेगा। आप मान के चलिए 29,999 ऑफर के साथ ए प्राइस टैग के साथ ही पोको लॉन्च करेगा। दोस्तों, इंडिया पर अंडर 30,000 प्राइस टैग के साथ ये स्पेसिफिकेशन एक बार आ जाए ना मार्केट पर, आपको इधर बढ़िया तबाही लग जाएगा, क्योंकि जो स्पेक पोको ऑफर कर रहा है ना, लिटरली किलर है। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है, आप शेयर कीजिए कमेंट का सेक्शन पर आपका ओपिनियन, और ये फोन इंडिया पर जून जुलाई मंथ पर शायद आएगा, वो भी आप शेयर कीजिए। आप क्या सोच रहे हो इस फोन का रिगार्डिंग, आपका ओपिनियन क्या है इस फोन का रिगार्डिंग, सब कुछ शेयर कीजिए, एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।